हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं बना रही हूँ आम का आइसक्रीम। तो कल रात को ही ना मैं आम को एक आम ली हूँ और उसको काट के मैं फ्रिज में रख दी थी, फ्रीजर में रख दी थी जमने के लिए। और यहाँ मैं दूध को रखी थी जमने के लिए। तो दोनों जम चुके हैं और अभी सुबह का टाइम है, सुबह का 7:30 बज रहा है। तो मैं दूध और ये जमा हुआ दूध और जमा हुआ आम को मिक्सी में पीसूंगी अच्छी तरह से। बिल्कुल स्मूथ पीस लेना है। और मेरे पास दो पेड़ा भी था तो मैं सोची पेड़ा भी डाल देती हूँ, इससे टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। और इसमें थोड़ा सा मैं 1 चम्मच के लगभग मैं चीनी डाली हूँ और इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स भी डालूंगी। तो यहाँ मैं ली हूँ 4-5 बादाम, किशमिश और इलायची। तो इनको भी मैं पीस लूँगी जिससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो इनको मैं पीस ली हूँ, देखिए बिल्कुल ही स्मूथ पीस ली हूँ। और अब इसको मैं, एक मेरे पास था आइसक्रीम का डब्बा तो इसमें डाल के फिर मैं इसको फ्रीजर में रखूँगी। और यहाँ मेरे पास था अमावट तो मैं सोची अमावट को छोटे छोटे टुकड़े में काट के इसके ऊपर से सजा दूँगी। तो यहाँ मैं अमावट को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसके ऊपर से रख दी हूँ। और अब मैं इसे बंद करके फ्रीजर में रख दूँगी 5-6 घंटों के लिए। 5-6 घंटों के बाद पता चलेगा हमारा आइसक्रीम कैसा बना है। तो आज सुबह जो मैं आइसक्रीम बनाई थी ना, सुबह 8 बजे मैं उसको फ्रीजर में रखी थी। तो अभी बज रहा है 1, तो 5 घंटा हो चुका है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा आइसक्रीम कैसा बना है। तो चलिए दिखाती हूँ आप लोगों को। तो देखने में आइसक्रीम तो बहुत ही अच्छा दिख रहा है और बहुत ही अच्छा से जम भी गया है। तो अब खा कर पता चलेगा कैसा हुआ है। गर्मी हो या ठंडे का दिन हो, आइसक्रीम जो होता है ऐसा चीज़ होता है ना जो ठंडा हो या गर्मी दोनों मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और बच्चों का तो ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट होता है। तो इसीलिए मैं सोची चलो मैंगो का आइसक्रीम बनाते हैं। आजकल यूट्यूब में बहुत वायरल हो रहा है मैंगो का आइसक्रीम, तो मैं भी बनाई। तो अब बताती हूँ मैं खा के कैसा लगा। मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ इतना ज़्यादा टेस्टी हुआ है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हुआ है। तो अभी बज रहा है शाम का 5:45 और 5:45 के लगभग में इतने ज़ोर से आंधी तूफान आया और आंधी तूफान के साथ साथ बारिश भी बहुत ज़ोरों की हो रही है। तो बारिश होने का तो सभी का बहुत इंतज़ार है क्योंकि इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है ना कि मत बोलिए। और इतना बारिश होने के बाद भी, 1 घंटा तक लगातार बारिश होने के बाद भी मौसम बिल्कुल थोड़ा सा ठंडा हुआ, ज़्यादा ठंडा नहीं हुआ। सोच लीजिए कितना गर्मी पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है। बारिश होने पे थोड़ा बहुत राहत मिल जाता है सभी को, तो बहुत अच्छा लगता है। आज रात के खाने में है आलू बरबट्टी की सब्जी, दही, रोटी, बस यही है।